मजदूरी करते हैं दिल्ली में, वो भी दिल्ली में। तो आप लोग क्या हर जगह जहाँ भी सत्संग लगता है वहाँ जा के सेवा करते हैं? हाँ, वहाँ पे जा के सेवा करते हैं सब जगह। तो अभी आगरा में भी था, वहाँ भी जाती है? वहाँ भी जाते हैं, अच्छे अच्छे लोग सेवा करवाते हैं, बुलाते हैं उनके लिए, जिसको कुछ न कुछ लाभ तो मिलता है, हमें मिला है लाभ। क्या लाभ मिला? हमें बहुत लाभ मिला है, हम अपने शरीर से सही है, सब बढ़िया है, हमारे घर में कोई परेशानी नहीं है। देर रात भोले बाबा के आश्रम में पुलिस का छापा पड़ा। आधी रात पुलिस पहुंची पूरे दल बल के साथ, तो हड़कंप मच गया। हादसा हुआ है, बाबा भी लापता है। बाबा आखिर गया कहां किसी को कोई खबर नहीं है। पता तो इतना है कि हाथरस कांड के बाद बाबा इसी आश्रम में आया था, जिसके बाद से यहां पुलिस का पहरा है। 3 जुलाई की आधी रात को नारायण साकार उर्फ बाबा साकार हरि के इसी मैनपुरी के आश्रम पर अचानक मैनपुरी पुलिस पहुंच गई। मैनपुरी पुलिस अधिकारी लाव लश्कर के साथ यहाँ अचानक आधम के, जिससे हड़कंप मच गया। इसी बीच पुलिस की एक और टीम ने रणवीर सिंह और राम अवतार नाम के 2 सेवादारों को उठा लिया। पुलिस ने हाथरस के खेरिया खुर्द गांव से इन दोनों को उठाया। बताया जा रहा है कि हादसे के दिन इन दोनों को बतौर सेवादार ड्यूटी पर लगाया गया था। इस पर राम अवतार की पत्नी से जब हमने बात की तो क्या कुछ कहा, सुनिए। एटा के सेवादार है, उन्होंने एक लड़का आया था, उसके साथ आए थे, कह रहे हम एटा के सेवादार हैं। तो हमने कही किसी का बच्चा खो गया होगा, लेट तो इतना बड़ा हादसा हुआ, कोई खो गया होगा, इसलिए पूछने आए हैं। तो उनको उतार लिए नीचे, हम दोनों आ गए थे, तो पहले कपड़े लेके आ जाऊं मैं, कि नहीं वर्दी पैर चलो, तो वर्दी पैर आके ले गए हैं। अच्छा, जिस वर्दी में उनकी ड्यूटी उस दिन लगी थी उसी वर्दी को पहना? हाँ जी, हाँ हाँ हाँ, पहनने को कहा। हाँ, तो किस समय की बात है ये? जे 3:30 बजे की बात है, सुबह की। हाँ। उनको ले गए के, हम बोले गए, फिर उनको ले गए थे, उनसे उनसे कह रहा है कि हम सिकंदरी ले जा रहे हैं, इतना कही है। लेकिन क्या वो तो कह रही है कि बयान दर्ज कराएंगे, ऐसा कह के ले गए हैं, आपको क्या कहा? हाँ, यही बात मुझसे कही थी, बयान दर्ज कराएंगे, कुछ नहीं करेंगे, तुम्हारे हस्बैंड का कुछ नहीं करेंगे, बयान दर्ज कराएंगे, ये पूछेंगे आपकी ड्यूटी कहाँ लग रही कहाँ नहीं लग रही, ये पूछेंगे। तो बताया उन्होंने किस विभाग से है? किस विभाग से है, पुलिस से है, कहाँ से है? नहीं, सेवाकार है, जैसे जो इनके नारा नदी के सेवाकार है, बस इनके मंच के सामने वर्दी ड्यूटी लग रही थी बस। नहीं, जो लोग ले जाने के लिए आए थे उन्होंने क्या बताया, वो क्या पुलिस से हैं, कहाँ से हैं? ऐसा है, हम उस टाइम पर हम आ नहीं पाए थे। हाँ। वो हमारे हस्बैंड पहले आ गए थे। अच्छा, हाँ, तो आप तो कहाँ थे उस वक्त? हम छत पे सो रहे थे। अच्छा, हाँ, छत पे से नीचे आए उतर के, हमें टॉयलेट लगी, हमसे पहले वो आ गए थे, हम टॉयलेट करने लगे, साड़ी बांधी हमने, तो देर होगी नहीं होगी, तो अब इन्हें ये नमाले बिने ही बताया क्यों है, कौन आए कौन नहीं है। हम तो आपके आने के पहले ले गए उनको? नहीं, हम आ गए हैं, तो हमने कही इनका कोई कसूर है? कही नहीं, इनका कोई कसूर नहीं है, हम पूछेंगे बस। अच्छा, हाँ, जांच पड़ताल कर रहे हैं। हाँ। कि किसी की सादत है कि नहीं है, बस इतनी पूछी है। तो आपने उनसे पूछा जो लोग ले गए थे इतनी सुबह सुबह आए? हाँ। कि आप भैया किस विभाग से हैं, पुलिस से हैं, सरकार से हैं? उन्होंने बात की, मैंने उतनी ही पूछी, कोई बातचीत नहीं ना। और आपके पति जो हैं राम अवतार, वो क्या कर रहे थे वहाँ पे? सेवा कर रहे थे, सेवा। कितने सालों से जा रहे थे? सेवा कम से कम हो गई 25-30 साल हो गई। क्या उम्र होगी राम अवतार की? होगी ऐसी 50 की होगी। क्या काम करते हैं वो? जे मजदूरी करते हैं, यहीं दिल्ली में। दिल्ली में। वो भी दिल्ली में। हाँ, हाँ। तो आप लोग क्या हर जगह जहाँ भी सत्संग लगता है वहाँ जा के सेवा करते हैं? हाँ, वहाँ पे जा के सेवा करते हैं सब जगह। तो अभी आगरा में भी था, वहाँ भी जाती हैं? वहाँ भी जाते हैं हम। क्या कारण है ऐसे मजदूरी दिहाड़ी छोड़ के इस तरह से अलग अलग शहरों में जाके सेवा? हम तो सुनो, हम तो कुछ भी नहीं है, अच्छे अच्छे लोग सेवा करवाते हैं, बुलाते हैं उनके लिए, जिसको कुछ न कुछ लाभ तो मिलता है, हमें मिला है लाभ। क्या लाभ मिला? हमें बहुत लाभ मिला है, हम अपने शरीर से सही हैं, सब बढ़िया हैं, हमारे घर में कोई परेशानी नहीं है, तो इसलिए हम जाते हैं। तो क्या कोई ऐसे स्वास्थ्य की सेहत की परेशानी थी, पैसे की परेशानी थी जो ठीक हुई उनको आप लोग जब से? सेहत की परेशानी थी, हमारे घर से कई बार बच गए। एक दफे तो रोड पे जा रहे थे तो ट्रक आया था पीछे से, अब उन्होंने पता नहीं किसने हाथ में धक्का मार के कच्चे रोड पे कर दिए, तो हम तो उसी दिन से मानते हैं। और एक दफे तो 3:30 नारायण हरि आए थे,
वे कच्चे नौता देने गए थे, लड़का का ब्याह करा था हमने, तो वो खाई में गिर गए थे। उन्होंने साढ़े दर्शन कर दे के और सड़क के साइड में पर आके चले गए थे। कहाँ गिर गए थे वो, कब की बात है ये? सन 2012 की बात है। आपको लगा कि वो खाई में गिर गए तो खुद स्वयं नारायण हरि आए? हाँ, और उन्होंने हाँ, बचा के उनको साइड कर दिया। साइड कर दिया जी। तो अभी जो ये घटना हुई यहाँ पे आपके गांव के पास में, 121 हाँ, लोगों की मौत हो गई, उसमें बाबा जी गायब रहे हैं अभी तक? बाबा जी गायब रहे हैं। एक बार बताइए, जिसका समय आ गया है, पूरा आ गया समय, उसे वो तो जाना है। चलो बाबा हरि में तो चलो आज ऐसा हो गया, जैसे तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं, मामे नहीं होता ऐसा, मामे तो हंसता हो जाते हैं। तो आपको लगता है कि जो लोग मरे उनका समय पूरा हो गया था? जिसका समय आ गया है भैया, देखो कहीं भी चले जाओ वो तो जाना है। आपके पति की क्या ड्यूटी थी इसमें? सेवादार की ड्यूटी थी। किस तरह का काम होता था सेवादार का? जैसे उनको, क्योंकि यूनिफॉर्म, जैसे जनता जनता को रोकना है, जनता खड़ी हो रही है उन्हें बैठाना है, ऐसी ड्यूटी थी। इसके लिए खुद पैसे खर्च करके आप लोग कितनी दूर आते थे हर बार? हाँ, हर हाँ, हर सत्संग में, हर सत्संग में जो सफाई चली, हम सफाई करके आए वहाँ पे, साफ सफाई, हाँ सफाई करके, सफाई करके आए वहाँ। हाँ, और आपकी क्या ड्यूटी होती थी वहाँ? हमारी तो हम ड्यूटी नहीं कर पाते थे, जैसे मान लो हम तो सत्संग सुनने जाते थे। बाबा जी क्या कहते थे? बाबा जी तो सही शिक्षा देते हैं, जैसे कि वचन को मानो तो सब कुछ है, वचन को नहीं मानोगे तो कुछ नहीं है। उस दिन भी कह के गए, वचन को मानो, वचन का खेल है, वचन का खेल नहीं है तो कुछ नहीं है। तो आप लोग बाबा जी को क्या भगवान का रूप मानती हैं? हम भगवान का रूप मानते हैं। किसी और भगवान को पूजती हैं फिर? नहीं पूजते, हम सिर्फ उन्हीं को पूजते, उन्हीं को पूजते हैं। लेकिन होता ना, जैसे कोई जो है राम भगवान को मान रहा है, हम कहीं नहीं जाते हैं, यहीं जाते हैं बस, सत्य के साथ में जाते हैं हम, कहीं नहीं। कब से शुरू किया आपने? कम से कम सन 2000 से शुरू है हमारा। तो अभी जो अब इतनी बड़ी घटना हो गई, 121 लोग मारे गए, आप कह रहे हैं उनके दिन पूरे हो गए थे वो चले गए, लेकिन बाबा जी सामने नहीं आ रहे हैं आपके? अब सामने तो बाबा जी जाने, या तो अगर इंसान होंगे तो तुम्हारे सामने आएंगे, या भगवान ही अनुरूपी कोई होंगे तो नहीं आएंगे। नहीं आएंगे मतलब? हाँ, भगवान है तो सामने नहीं आएंगे वो? अरे नहीं आएंगे, क्या पता क्या चलेगा, क्या पता, कोई पता नहीं है उनकी, अंतर्यामी हो। तो अभी आप अपने पति को छुड़ाने के लिए कहाँ जाएंगे? कहाँ जाएंगे मतलब? पुलिस थाने जाएंगे? कुछ खोज खबर कर रही हैं आप राम अवतार जी? हम तो कहीं नहीं कर रहे, हम तो उन्हीं के ऊपर है, हम तो बैठे। अच्छा, भगवान पे ही भरोसा है कि वो घर भेज देंगे? हाँ, अगर हमारा कोई कर्म खराब नहीं है तो वो आएंगे यहाँ पर, हम तो उनसे ही कर रहे हैं। ठीक है। हाँ, तो ये कहानी है उन सेवादारों की जो लोग उस दिन ड्यूटी पे लगे हुए थे। यहीं सिकंदरा राव यहाँ से बहुत दूर नहीं है, मुश्किल से 2-3 किलोमीटर की दूरी पे वो सत्संग लगा था, और जो राम अवतार का परिवार है या फिर रणवीर का परिवार है, दोनों में एक बात साफ है कि दोनों सेवादार थे, और कई सालों से जो नारायण साकार हरि है उसकी जो है मान रहे थे उनको। इनकी अगर हम बात माने तो इनका मानना है कि वो भगवान स्वरूप ही इनको देखती हैं, किसी और भगवान की पूजा नहीं करती हैं, दोनों परिवार किसी और भगवान को नहीं पूजते हैं। सबके बीच सत्संग वाले भोले बाबा के मैनपुरी वाले राम कुटीर चैरिटेबल ट्रस्ट आश्रम में पुलिस पहुंची थी, लेकिन बाबा अब तक फरार है। इसी बीच बाबा के आश्रम की सुरक्षा व्यवस्था भी बढ़ा दी गई है। इस दौरान बाहर बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। यूपी तक के लिए अमित भारद्वाज की रिपोर्ट।